Hello and good morning, all of you. Welcome to Alpha S Academy, and we are at the lecture number 6. Now, what we'll be discussing today is tissues. अब वैसे तो बेसिकली चार मेन टाइप्स के टिश्यूज होते हैं. एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक होता है एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. बट देन वी हैड आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव वन टॉपिक लेफ्ट इन द लास्ट चैप्टर, दैट इज एडिपोज टिश्यू. अब देखो, बेसिकली ये एडिपोज टिश्यू कुछ नहीं होता. ये एडिपोज टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जहां पे कि आपके फैट्स स्टोर होते हैं, ठीक है, जहां पे आपके फैट्स स्टोर होते हैं. फैट्स मैंने आपको बताई दी कि वो आपका एक फ्यूल की तरह काम करते हैं और आपको एनर्जी देते रहते हैं. एनर्जी देते रहते हैं मतलब जब भी ये आपके एक टाइप के फ्यूल रिजर्व्स हैं. जैसे ही कहीं भी कुछ कम हुआ तो ये जो फैटी टिश्यूज हैं या एडिपोज टिश्यूज हैं जिनके अंदर फैट स्टोर रहता है, जो क्या फ्यूल काम करता है, ये आपको फ्यूल प्रोवाइड करते रहते हैं अंडर दी स्ट्रेस कंडीशन, जब आपकी बॉडी किसी स्ट्रेस में है, ठीक है. अब बेसिकली ये जो इनका जो सिक्रीशन है दैट इज कंट्रोल्ड बाय वेरियस हॉर्मोन्स लाइक इंसुलिन, लाइक ग्लूकागोन, एपिपिरिन, ठीक है. इनसे इनका सिक्रीशन जो होता है कंट्रोल का होता है, ठीक है. मेटाबॉलिक भी बता दें आपको, देखो होता क्या है एक्चुअली हमारी बॉडी में. हम कहते हैं हमने कार्ब्स खा लिए, कार्बोहाइड्रेट्स खा लिए, हमने प्रोटीन खा लिया, हमने फैट ले लिया. अब ये जो स्ट्रक्चर है ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इसको हमारी बॉडी नहीं पहचानती. अगर मैं आपको बोलूंगा आप प्रोटीन खा लो, भाई आप प्रोटीन, आप चिकन खाते हो, बॉडी को क्या पता है? बॉडी को ये भी नहीं, चिकन के अंदर प्रोटीन होता है, ठीक है, बॉडी को ये भी नहीं पता कि प्रोटीन होता है भाई. लेकिन क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से बने हुए होते हैं और आपकी बॉडी को अमाइनो एसिड्स पता है कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं और आपकी बॉडी को अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं, तो आप प्रोटीन खाते हैं, ठीक है. बाकी बॉडी को नहीं पता कि बॉडी चिकन के अंदर प्रोटीन है और प्रोटीन, ठीक है, बस. और प्रोटीन भी नहीं पता बॉडी को, बट देन प्रोटीन अमाइनो एसिड से बना होता है, बॉडी को अमाइनो एसिड्स पता है. तो बॉडी आपकी क्या लेती है एट द एंड ऑफ द, वहां से अमाइनो एसिड, ऐसे ही फैट से क्या लेती है, वो फैटी एसिड्स, ठीक है. तो बेसिकली क्या होता है, कई बार जो मेटाबॉलिज्म होता है वो क्या करता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को, कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज करता है, ठीक है. जैसे प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में, या एसिटिक एसिड्स को कोलेस्ट्रॉल में. और तो इसको हम लोग बोल देते हैं एनाबॉलिक पाथवेज, ठीक है, एनाबॉलिज्म भी बोल सकते हैं इसे. ये हो गया कि एनाबॉलिक पाथवेज. और कई बार सिंपल को वो कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसको बोल दे, जैसे ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में, ठीक है, इसको बोल देते हैं वो कैटाबॉलिक पाथवेज, ठीक है. ये थी बात एडिपोज टिश्यू की, ठीक है. कॉम्प्लेक्स से सिंपल एनाबॉलिक, सिंपल से कॉम्प्लेक्स कैटाबॉलिक, ठीक है, कितना समझने की जरूरत है. अब बात कर लेते हैं टिश्यूज की. तो मैंने आपको बताया पहले होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज. देखो एपिथेलियल टिश्यूज क्या है, बेसिकली कवरिंग वाले जो बाहर है, ठीक है, ये एक टाइप के क्या बोल सकते हैं आपकी कवरिंग है, ठीक है, ये आपकी कवरिंग है. कवरिंग जैसे आपकी जो आपकी स्किन होती है ऊपर की, ये एक टाइप का एपिथेलियल टिश्यू है. अब ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एक्सोक्राइन, भाई जो बाहर है, ठीक है, एक होगा आपके एंडोक्राइन. अब कुछ जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो आपकी बॉडी के अंदर भी होते हैं. जैसे आपकी बोलते ना कि यार आपकी अंदर से क्या होता है, कई बार छिल जाता है, ठीक है. जो लोग सिगरेट ज्यादा पीते हैं तो उनके गले की जो ब्रीदिंग वाला एरिया होता है उसकी, उसमें लाइनिंग्स होती हैं, ठीक है, लाइनिंग्स होती है, वो भी सेल की बनी हुई होती है, वो ज्यादा एक्सेसिव स्मोकिंग से छिल जाती हैं. तो कई बार वो छिल जाती हैं तो जब लोग कफ करते हैं तो खून भी आता है, ठीक है. तो ऐसे ही हमारी बॉडी में जितनी भी नर्व्स है उनके अंदर लाइनिंग्स हैं, वो क्या एक टाइप से प्रोटेक्टिव लेयर ही है, बट देन वो छिल भी जल्दी जाती है, ठीक है. और ठीक है, तो अब वो भी दो टाइप की होती है, एक्सोक्राइन मतलब जो बाहर है जो दिख रही है, ठीक है, और एंडोक्राइन जो अंदर है. देखो एक्सोक्राइन क्या होगी, या एक्सोक्राइन जो होगी जो आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट कर रहे हैं, जैसे आपका मकस, आपका सलाइवा. भाई आप अगर नोज देखेंगे तो नोज पे ना आपके ऑयली ग्लैंड होते हैं, कई लोगों की नोज बड़ी ऑयली सी होती है, ठीक है, जिसको आप ब्लैक हेड्स वगैरह भी बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, वो निकलते हैं. तो वो क्या ऑयल सी होते हैं आपके, क्योंकि इस एरिया में आपके, इस एरिया में प्लस ये चिन वाले एरिया में आपके ग्लैंड्स होते हैं जो कि ऑयल सिक्रीट करते हैं. देन मिल्क सिक्रीट जो आपका ब्रेस्ट है, ठीक है, वो एक कैसा ग्लैंड जो मिल्क सिक्रीट करता है. आपका माउथ है वो सलाइवा सिक्रीट करता है, ठीक है. आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो एंडोक्राइन हो गए, ठीक है. तो बेसिकली ऐसे ही डिफरेंट चीजें सिक्रीट होती हैं डिफरेंट
चीजों के द्वारा। अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बेसिकली एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में ये फर्क है कि एक्सोक्राइन में डक्ट्स नहीं होते हैं और एंडोक्राइन कुछ एक चीज, अब क्योंकि वो ग्लैंड तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, ठीक है, जो एंडोक्राइन बॉडी के अंदर है। अब क्योंकि वो बॉडी के अंदर है तो कुछ ना कुछ सिक्रीट करेगा, क्या सिक्रीट करेगा, उस सिक्रेशन को बोलते हैं हॉर्मोन्स, ठीक है। तो आपका एंडोक्राइन क्या सिक्रीट करते हैं, आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। ये थी बात एपिथेलियल टिश्यू की। अब बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू की। देखो भाई नाम भी बता रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू मतलब कुछ ना कुछ तो कनेक्ट करेगा ये, ठीक है। अब इसी एग्जाम्पल में आपको बता दूं, आपकी कार्टिलेज, आपकी बोन, आपका ब्लड, आपका एडिपोज टिश्यू, ये सब कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, मतलब ये कुछ ना कुछ कनेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, बड़े टाइप्स के होते हैं ये, कुछ सॉफ्ट होते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड होते हैं, जैसे ब्लड जो है स्पेशलाइज्ड है, ठीक है। अब मैं अगर कार्टिलेज की बात करूं तो कार्टिलेज क्या होता है, फीटस में सारे कार्टिलेज होते हैं, यही कार्टिलेज आगे चल के बोन बनता है, ठीक है। अब जो एडिपोज टिश्यू होता है वो बेसिकली स्किन के बीच होता है, वो आपको मैंने बता दिया, फैट स्टोर करने के काम आता है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं ये, दो तीन टाइप के, एक लूज कनेक्टिविटी, एक डेंस कनेक्टिविटी। और लूज कनेक्टिविटी मतलब कि बेसिकली ऐसे भाई सेल्फ, ये टिश्यू, ये क्या है आपका, एक टाइप का आप सेमी फ्लूइड कुछ ग्राउंड मान लो, सेमी फ्लूइड मान लो, ये सेमी फ्लूइड से भरा हुआ है। अब ये टिश्यू जो है यहाँ फैले हुए रहते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है, लूजली कनेक्टेड रहते हैं। ये तो हो आपके लूज कनेक्टेड टिश्यूज, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे एडिपोस, एडिपोस टिश्यू जो होते हैं। अब डेंस कनेक्टिविटी हो, ज्यादा डेंस होंगे, ठीक है, उसमें भी दो टाइप के होते हैं, एक रेगुलर होते हैं, एक इरेगुलर होते हैं। भाई रेगुलर क्या होते हैं, वो एकदम पैरेलल होते हैं अच्छे से, ऐसे 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 ऐसे, और वो मतलब बड़ा टाइटली पैक्ड होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। इरेगुलर में क्या होता है, वो डेंसली पैक्ड होते हैं, बट लेकिन वो बहुत ज्यादा रेगुलर नहीं होते, वो पैक्ड होंगे बट लेकिन उनका कोई स्टेब्लिश पैटर्न नहीं होता, ठीक है। देन बात करें हम स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की, तो मैं आपको देख, कार्टिलेज, बोन्स, ब्लड, एरियोलर। एरियोलर आपके लंग्स में होता है, ठीक है भाई। कार्टिलेज मैंने आपको बता दिया कि बचपन में फीटस में क्या होता है, कार्टिलेज होती है, वही आगे चल के आपकी बोन्स बनेगी। बोन्स आपको पता ही कि आप जो खड़े हो बोन्स की वजह से खड़े हो, आज मैं आपकी बोन्स निकाल दूं तो आप झरझरा के नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। अब मैं ब्लड की बात करूं तो ब्लड तो भैया आपको पता ही है कि सब कुछ ट्रांसपोर्ट करने के लिए आरबीसी होता है, उसके अंदर डब्ल्यूबीसी होता है, आपका प्लाज्मा होता है, आपके प्लेटलेट्स होते हैं, और वो बहुत सारी चीजों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। एरियोलर क्या होते हैं, एरियोलर क्या होते हैं, स्किन और मसल्स के बीच में होता है ये, स्किन और मसल्स के बीच में होता है ये एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। बेसिकली ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मस्कुलर टिश्यू की। भाई मसल्स, मस्कुलर टिश्यू क्या है, भाई स्किन है, स्किन ही चाकू मसल्स है। अब मसल्स क्या होते हैं, किस चीज के बने हुए होते हैं, वो बने हुए होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के, और क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने होते हैं इसीलिए आपकी बॉडी बनती है। कि बोलते हैं ना कि भाई आप एक्सरसाइज करो, आपने एक्सरसाइज करी, मान लिया मैंने आर्म्स की एक्सरसाइज करी, आज मेरी आर्म्स की मसल जो है ज्यादा वर्क वर्क उसने काम कर लिया, तो क्या हुआ, वो टूटी है, टूटी है मतलब ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुई है, फिर वो रिपेयर होगी, जब वो रिपेयर होगी तो वो स्ट्रांग होगी, टाइट होगी, मजबूत होगी और ज्यादा बड़ी होगी। तो क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं इसीलिए ये सब चीजें होती हैं। तीन टाइप के होते हैं मस्कुलर टिश्यू, एक स्केलेटल, एक स्मूथ, एक कार्डियक। कार्डियक भाई जो हार्ट में हो गया, कार्डियक में ओनली कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट, पूरा हार्ट नहीं, सिर्फ कवरिंग वॉल्स ऑफ द हार्ट कंटेन्ड होता है, ठीक है। स्केलेटल में क्या होता है, एक तो फाइबर्स होते हैं स्ट्रेटिएटेड होती है, मतलब ऐसे ऐसे सीधा आप उसे देख सकते हैं, तो ट्यूबुलर होती है, गोल सी होती है, ठीक है। उसके बाद वॉलेंट्री और यूजली अटैच टू स्केलेटन, स्केलेटन से अटैच होती है, आप स्केलेटन देख सकते हैं, ठीक है। स्मूथ मोशन क्या होती है, फाइबर्स तो होते हैं उसमें लेकिन नॉन स्ट्रेटेड होती है, अच्छे से गुच्छा सा बना हुआ होगा उसका, ठीक है। देन इनवॉलेंट्री होती है, और ये बेसिकली क्या होता है, कवरिंग वॉल होती है ऑफ इंटरनल ऑर्गन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन हमने आपको बता दिया तीन इंपॉर्टेंट टाइप की होती है, स्केलेटन, स्मूथ एंड कार्डियक। देन नर्वस टिश्यू, अब भाई नर्वस टिश्यू का काम है, मैंने आपको चूटी काटी या मैंने एकदम आग के ऊपर अपना हाथ रख दिया, एकदम हाथ पीछे हटा लेता हूँ, कैसे हटा, क्यों हटाता हूँ, कैसे हटाता हूँ, नर्वस टिश्यू की वजह से। हाँ, और किसकी वजह से, बेसिकली न्यूरॉन्स की वजह से। भाई नर्वस टिश्यू के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, बेसिकली जैसे ही मतलब मैंने ये मान लिया ये आग थी, आग के ऊपर मैंने हाथ रखा और एकदम मैंने हाथ हटा लिया, तो क्या वो इस जगह के न्यूरॉन्स
जागरूक हुए। न्यूरॉन्स आप समझ लीजिए कि न्यूरॉन्स जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस की इंपल्स पैदा करते हैं प्लाज्मा में, हमारी बॉडी में, और वो कहाँ जाता है, हमारे ब्रेन में, और ब्रेन हमें बताता है कि भाई हाथ पीछे खींच लो। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू कौन कौन से, कहाँ कहाँ कौन कौन से होते हैं हमारे, एक तो ब्रेन हो गया, एक आपका स्पाइनल कॉर्ड हो गई, ठीक है, और एक आपकी नर्व्स हो गई, जो नसें होती हैं उनमें भी न्यूरॉन्स होते हैं। भाई भाई ब्रेन और आपके स्पाइनल कॉर्ड में तो न्यूरॉन्स हर जगह ही होते हैं, आपके ब्रेन और इसमें अगर स्पाइनल कॉर्ड में सिर्फ न्यूरॉन्स होंगे और आपके नर्व्स में नहीं होंगे, तो पता चला हाथ, आपका हाथ ही जल गया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका हाथ जल गया। ठीक है, तो आपकी नर्व्स में भी जुड़ी होती है, इसलिए जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनको क्या होता है, उनकी नर्व्स कमजोर हो जाती है, उनकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है, तो पैरों की सबसे सेंसिटिविटी सबसे कम होती है, इसलिए कई बार उनके पैर जल जाते हैं, कई बार उन्हें पता नहीं लगता कि पैर के नीचे कुछ काट गया या उन्हें कुछ चुभ गया। इसीलिए क्या होता है कि डायबिटीज इज अ साइलेंट किलर। तो आई ऑलवेज टेल यू गाइज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, दो आई एम नॉट, आई एम ऑल्सो बेट लाइक नॉट वेरी फिट, बट देन आई टेल एवरी वन टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड प्रायोर थिंग इन योर लाइफ। नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर हेल्थ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल। खैर, सेटिंग असाइड दैट थिंग, नर्वस टिश्यू हम लोग बात कर रहे हैं, तो ब्रेन हो गया आपका, स्पाइनल कॉर्ड होगी, नर्व्स होगी, इनके अंदर क्या है भाई, आपका न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स कैसे दिखते हैं, ये आपके छोटे छोटे डायग्राम में आपको बताता हूँ। एक आपका न्यूक्लियस होता है और एक आपका ऐसी आर्म होती है, इसको डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके पार्ट्स पढ़ना बिल्कुल जरूरी नहीं है, हमें कोई डॉक्टरी थोड़ी ना करनी है। ठीक है, ये जैसे सिनेप्टिक टर्मिनल्स हो गए, ये इसका एक्सॉन होता है, एक्सॉन हिलॉक होता है, गोलगाई अपैरेटस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है न्यूक्लियस के अंदर, जो न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस का न्यूक्लियस तो मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, सेल का में जो होता है वो सब होता है। तो ये सब बात है किसकी, नर्वस टिश्यू की। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। भाई डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हुआ, खाना खाया, अब मैंने आपको क्या बताया था कि आपकी बॉडी को नहीं पता कि ये कार्बोहाइड्रेट है, फैट है या प्रोटीन है। ठीक है, उसे तो ये पता है भैया कि ये ग्लूकोज है, ये फ्रुक्टोज है, ये ग्लाइसरॉल है, ये अमाइनो एसिड है। ठीक है, तो आप अगर उसे, आपने खाया चिकन, चिकन में था प्रोटीन, प्रोटीन से उस बॉडी ने क्या निकाल लिया, अमाइनो एसिड। ठीक है, आपने खाए फैट्स, आपने खाया मक्खन, मक्खन में था फैट, फैट से उसने क्या निकाल दिया, फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल। ठीक है, फिर आपने खाया चावल, चावल या रोटी, उन दोनों में था कार्बोहाइड्रेट्स, उसको उसने किस में तोड़ दिया, शुगर या ग्लूकोज में। ठीक है, बॉडी ने उसको अब्सॉर्व कर लिया। ठीक है, तो बेसिकली ये आप यहां से खाना खाते हैं और खाने पचता है आपको, इधर घूमता है घूमता है घूमता है घूमता है, और फिर आपके से जो है बॉडी उसको सिक्रीट कर देती है। तो बेसिकली आपके मुंह में जैसे ही मुंह में घुसता है ना, वहीं से खाना टूटना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपके मुंह में क्या होते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स, स्लाइवरी ग्लैंड्स क्या प्रोड्यूस करते हैं, आपका स्लाइवा, जो आपका, इसको हम हिंदी में थूक बोलते हैं। ठीक है, और जो ये स्लाइवा होता है, इसमें ये कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, आपका सी एल नेगेटिव होगा, के प्लस। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इसके अंदर आपके एंजाइम्स होते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स जिसको बोलते हैं, जैसे सलाइवरी अमाइलेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है भाई, सलाइवरी अमाइलेस बड़ा अच्छा ब्रेकडाउन करता है, और लाइजोजोम, लाइजोजोम जो है बेसिकली ये डिसइंफेक्टर टाइप का होता है, अमाइलेस जो होता है बेसिकली, अमाइलेस ही वो चीज़ है जो तोड़ती है उसको, वहीं पे हाइड्रोलाइसिस कर देती है। ठीक है, तो होता क्या है आपका, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, पहले तो आपका इंजेक्शन हो जाएगा, पहले आप खाना खाएंगे, फिर आपका, आपने इंजेस्ट किया खाने को, फिर आपने, तो आपका डाइजेशन होगा, आप खाना पचाएंगे, फिर असिमिलेशन होगा खाने का, जहाँ जहाँ उसको जाना है चले जाएगा, उसके बाद जितना आपका वेस्ट बचेगा वो एक्सक्रीट हो जाएगा, दैट इज एजेशन हो जाएगा। ठीक है, इसी में एक चीज होती है, अपेंडिक्स होता है यहाँ पे। ठीक है, अपेंडिक्स अब निकाल दिया जाता है, क्योंकि ह्यूमन एवोल्यूशन क्या, क्या अब हम पका हुआ खाना खाते हैं, बेसिकली अपेंडिक्स जो था कच्चे प्लांट्स वगैरह जब हम खाते थे, जब हम, अगर अब ह्यूमन एवोल्यूशन होता तो भाई जंगल में रहते थे, जंगल में रहते थे तो आपके पेड़ पौधे पत्ते खाते थे, उसमें क्या होता था कि फाइबर होता था बहुत ज्यादा, और वो कच्चा पचाने के लिए हमें बड़ी दिक्कत होती थी, बड़ी दिक्कत होती थी, तो उसके लिए हमें अपेंडिक्स हमारी बॉडी में काम करता था, इसलिए अब जो है अपेंडिक्स का दर्द होता था, अपेंडिक्स लोग निकाल ही देते हैं एक टाइप का, अब इसका ज्यादा काम रह नहीं गया है। ठीक है, अब बात करें अगर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की, तो तीन तीन ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव, एक मैंने आपको पढ़ाई दिया सलाइवरी ग्लैंड, एक है आपका लिवर, और एक है आपके पेनक्रियास। भाई पेनक्रियास क्या होते हैं, जो इंसुलिन बनाते हैं, जैसे ही बॉडी खाने में गया, ब्रेन में सिग्नल चला गया, भैया कुछ मीठा आया है, उसको जो मीठा है उसको बॉडी का, क्योंकि बॉडी का आपको शुगर लेवल मेंटेन रखना है, शुगर लेवल कैसे मेंटेन रखेंगे, जब जो है आपके पेनक्रियास जो है इंसुलिन छोड़ेंगे, इंसुलिन क्या एक टाइप का हार्मोन है,
इसीलिए जब आपका इंसुलिन बनना कम हो जाता है या इंसुलिन सेंसिटिविटी कम हो जाती है पैनक्रियास की, तभी आपको डायबिटीज हो जाती है, ठीक है। और मैं अगर लीवर की बात करूँ तो लीवर आपका लार्जेस्ट ऑर्गन है, ठीक है, सॉरी लार्जेस्ट ग्लैंड है, ऑर्गन नहीं, सॉरी, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ठीक है। और यहाँ पे आपका इट्स सिक्रीट समथिंग कॉल्ड एज बाइल, बाइल जूस। बाइल जूस पता है क्या होता है? अगर आप पूरी वगैरह खा लें, ज्यादा खट्टी चीजें खा लें, तला भुना खा लें, तो कभी आप खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभार आपको उल्टी भी आती है, वो एक पीली सी उल्टी आती होगी येल्लो कलर की, ठीक है, और आपको बहुत खट्टा महसूस होता है, उसी को बाइल कहते हैं। और वो बाइल कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर कई बार निकालना पड़ता है क्योंकि इसमें स्टोन हो जाते हैं, और अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए तो गॉल ब्लैडर को निकालना पड़ता है। एंड इट इज हेयर वेयर दी बाइल जूस इज कलेक्टेड। बाइल जूस भी जो है बेसिकली आपका खाने को तोड़ने, ब्रेक डाउन के काम आता है। देन बात करें पेनक्रियास की, मैंने आपको बता ही दिया, पेनक्रियास जो है इंसुलिन छोड़ता है, ठीक है, और एक टाइप का सिंपल, मतलब ये भी एक टाइप से ब्रेक डाउन में मदद करता है खाने को, ये समझ लो, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में लाता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपलर फॉर्म में लाता है, ठीक है। अब बात करता हूं मैं खाना पचता है कैसे। भैया आपने खाना खाया ओरल कैविटी में, फिर आपकी वो स्टोमक में जाता है, स्टोमक में आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, वो बहुत सारी चर्निंग होती है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूमता है ना खाना, चर्निंग होती है उसकी, ठीक है, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, फिर वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, उसके बाद वो जाके सिक्रीट हो जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं सब नोट्स में दिया हुआ गया है, ठीक है। पैरासाइट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पैरासाइट्स हैं जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्ट करते हैं। एक तो आपका टेप वॉर्म, एक हुक वॉर्म, एक पिन वॉर्म, एक राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, वायरस, बैक्टीरिया, सब जो है इट कैन अफेक्ट आर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा पेट खराब हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिसऑर्डर्स की बात करूं मैं, तो आपको जॉन्डिस हो सकता है, जॉन्डिस हुआ मतलब आपका डाइजेस्टन ठीक नहीं रहेगा, आपको वॉमिटिंग हो सकती है, आपके स्टूल में ब्लड आ सकता है, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं, अब अल्सर मतलब हो गया आपका छाले, ठीक है, डायरिया हो सकता है, गॉल स्टोन हो सकते हैं जो गॉल बैडर में होते हैं आपके, ठीक है, तो उसके लिए गॉल बैडर को निकालना पड़ता है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो वह तो बहुत बड़ा है, हमें कोई डॉक्टर पर तो बनना नहीं है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली क्या होता है, आपने सांस ली, आपके फेफड़ों में गई, फेफड़ों में गई और आपने सांस जो है बाहर छोड़ दी, ठीक है, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेते क्यों है? क्योंकि भाई आपके बॉडी में जो भी है खाना वाना, उसको डिकम्पोज करने के लिए, उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए आपको ऑक्सीजन जरूरी है, ठीक है। तो लंग्स हैं, तो लंग्स, लेफ्ट लंग आपका टू लोब्ड होता है, राइट लंग आपका थ्री लोब्ड होता है। इंटरनल एटोनॉमी एनाटॉमी की बात करूँ तो ब्रॉन्कियोल्स होते हैं, ब्रॉन्ची होते हैं, एल्वेलाई होती है लंग्स में, और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यहाँ से आपने ऐसे होता है, ठीक है, यहाँ सांस ली और ये फेफड़ों में जाती है ऐसे, ठीक है, और यहाँ से कुछ हल्के तो वो होते हैं, उसको ब्रॉन्कियोल बोलते हैं, ये सबसे नीचे वाला पार्ट को एल्वेली बोलते हैं, इसी के अंदर आपका यहाँ पे हार्ट भी होता है भाई, अगर कभी खोलेंगे और आपका वो उठाएंगे, लंग्स उठा देंगे, लंग्स के पीछे ही छुपा होता है हार्ट, ठीक है। तो बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देन यही काम है किसका, बेसिकली ऑक्सीजन, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा क्यों बनाया गया कि हम ऑक्सीजन ले सकें, टू ब्रेक डाउन दी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। रेस्पिरेशन बहुत सारे पार्ट होते हैं भाई, ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होता है गैसेस का, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है फॉर वेरियस रीजंस, ठीक है, वो बहुत सारे काम करते हैं। अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की एंड हॉर्मोन्स की। भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं जो हमारे हॉर्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, ठीक है, जैसे अब आपको मैं थोड़े से एग्जांपल दे दूं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। भाई थायराइड ग्लैंड क्या छोड़ता है? थायरोक्सिन। थायराइड कई लोगों को बोलते हैं ना थायराइड हो रखा है, तो उनका थायराइड ग्लैंड ढंग से काम नहीं करता, तो आपकी मम्मी लोग या जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे थायराइड की प्रॉब्लम आ जाती है मैक्सिमम वुमेन्स को, उस टाइम एक दवाई आती है थाइनोनॉम या थायरोक्सिन 25 mg, 50 mg, अकॉर्डिंग टू वो जो है डॉक्टर सजेस्ट करता है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके थायराइड ग्लैंड ग्लैंड जो है, ग्लैंड ग्लैंड क्या करेगा, ये थायराइड एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। अगर आपका हार्मोन ढंग से सिक्रीट नहीं हो रहा होगा तो आपको वो प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे किडनी है, किडनी आपका रेनिन, कैल्सिट्रॉल, कैल्सिट्रॉल एक दवाई भी होती है, ये दी जाती है किडनी के लिए, राइट, दो किस का डायरेक्ट वो नहीं है। देन एडिपोज टिश्यू आपका लेप्टिन, रेस्टिनिन, ठीक है। पेनक्रियास क्या है? इंसुलिन, ग्लूकोजोन, गोनैट्स। गोनैट्स भाई गोनैट्स क्या होते हैं, देखो गोनैट्स दो तीन बार वर्ड आए, गोनैट्स, गोनैट्स आर योर सेक्स हॉर्मोन्स, ठीक है, एंड विच आर टेस्टीज, टेस्टिकल्स इन मेल एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ठीक है। और ये भी ये जो दोनों बनते हैं आपके सेक्स हॉर्मोन्स जो बनते हैं,
ये सेक्स हॉर्मोन से ही बनते हैं आपके टेस्टिकल्स एंड और ओवरीज, ठीक है। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, और इनमें डक्ट्स नहीं होते हैं, ठीक है, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड। जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें डक्ट्स नहीं होते, इट इज कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है। देन ऐसी थाइमस है, एड्रेनलिन ग्लैंड है, एड्रेनलिन आपका एड्रेनलिन छोड़ता है, डाइजेस्टिव में आपके बहुत सारी चीज़ें छोड़ते हैं, पैराथायरॉयड में थायरॉयड हार्मोन आता है, पीनल ग्लैंड मेलाटोनिन छोड़ता है जो आपको सुलाता है। तो बेसिकली छोटी बात संक्षिप्त में बात यह है कि एंडोक्राइन ग्लैंड छोड़ेंगे हार्मोन, हार्मोन आपकी बॉडी को में जो है बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करते हैं, आपका इंसुलिन लेवल, आपका एटीपी लेवल, आपके हार्मोन्स लेवल, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका एस्ट्रोजन लेवल, ये सब जो है आपके हार्मोन्स डिक्टेट करते हैं। और अगर कहीं भी किसी भी ग्लैंड में गड़बड़ होती है तो इस इन पर्टिकुलर चीज़ों में, जैसे अगर आपके पैनक्रियाज में दिक्कत है तो आपके इंसुलिन लेवल्स में दिक्कत आएगी, इससे आपको दिक्कत हो सकती है। अब बात करते हैं ह्यूमन न्यूरल सिस्टम की, दैट इज नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम भैया, एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, एक हमारा पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपको क्या जाता है, ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, और सेंट पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम में क्या आ जाएगा भाई, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छोड़ के सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। भाई नर्वस सिस्टम का काम क्या होता है, आपके दिमाग तक बात को पहुंचाना। इधर आग लगी है, आग लगी है तो जैसे आप रिएक्शन किस चीज़ के लिए, यहाँ पे आपको गर्म पानी अपने हाथ डाला, ठीक है, यहाँ से आपके रिसेप्टर्स थे हाथ में, उन्हें एकदम पता लग गया, उन्होंने सेंस कर ली कि गर्म हो रहा है, गर्म होते ही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो गए, उन्होंने दिमाग बात जो है आपके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई, स्पाइनल कॉर्ड से सीधा आपके दिमाग में बात गई और आपने हाथ एकदम पीछे हटा लिया कि हटा लो भैया नहीं तो जल जाएगा, ठीक है। तो वो न्यूरॉन्स इसमें कितने सारी चीजें देखो एक साथ काम कर रही हैं, आपके न्यूरॉन्स, आपका नर्वस सिस्टम, आपके मसल टिश्यूज, हर चीज जो है आपस में काम करती है, बॉडी को सिलोज में पड़ा जाता है, इसलिए डॉक्टर्स जो है आसानी से नहीं बन सकते आप लोग, ठीक है। देन मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम की बात करें तो मसल्स मतलब जो हमारी मसल्स हैं जो प्रोटीन से बनी होती हैं बेसिकली, एंड स्केलेटल सिस्टम हो गया जो हमारे स्केलेटन है अंदर हमारा, हमारी स्कल मैंडिबल, ये सर्वाइकल मैंडिबल, ठीक है। देन कार्पल्स, हमारी हाथ की हड्डियों की बात करूँ तो मैं उसको कार्पल्स, इन ये कार्पल्स होती हैं आपकी, फिर अगर आप इधर बात आ जाओ तो इसको मेटाकार्पल बोलते हैं, फिर एंड वाले को फेलेंजेस बोलते हैं, फिर देन फ्यूमर, फ्यूमर आपकी लॉन्गेस्ट बोन है, सबसे बड़ी बोन है फ्यूमर, पटेला या आपकी टीबिया, ऐसे होता है देखो पैर का स्ट्रक्चर, दो बोन होती हैं ऐसे आपस में, ठीक है। और जैसे हाथ, हाथ की मसल्स को अगर देखो कार्पल्स की बात कहीं भी होगी ना तो वो आपकी ये वाला पार्ट होगा हाथ वाला, और अगर टार्सल्स की बात होगी तो वो पैर का पार्ट होगा। एंथ्रोपोलॉजी में बच्चे पढ़ते होंगे इसको, जो एंथ्रोपोलॉजी वाले बच्चे हैं उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट देन आपको छोटा छोटा पता होना चाहिए, ठीक है। ये आपका थोरैक्सिक हो गया, ये आपका सर्वाइकल हो गया, ठीक है, सर्वाइकल में C7 होता है, थोरैसिक में T7 टी वो, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाता है, कमर में लंबर स्पाइन होती है भाई, L5S1 हो जाता है, कई लोगों को डिस्क की प्रॉब्लम होती है उनको L5S1 हो जाता है, मतलब आपकी लंबर 5 एंड स्पाइनल 1 की जो फ्लूइड है दोनों में बाहर निकल गया, ठीक है। तो भैया आप जैसे ही पढ़ते पढ़ते जो है थोड़ा वॉक भी किया करें, ठीक है। देन स्केलेटन टिश्यूज शो होती है, स्केलेटन जो होती है वो भी बहुत सारी होती हैं, तो ये आपस में जो है कोऑर्डिनेट करती रहती हैं, तो ये जो है कोई सिलोज में काम नहीं करते हैं, आपस में सब मिलके हमारी स्केलेटल टिश्यूज, हमारा एपिथेलियल टिश्यू, आपका कनेक्टिव टिश्यू, आपस में मिलके बॉडी काम करते हैं। अभी अगर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ, इसमें भी जो है बहुत सारे टिश्यूज आपस में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अभी मैं सिर्फ किसी कनेक्टिव टिश्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक अपना कॉग्निटिव इस्तेमाल कर रहा हूँ, हर चीज का इस्तेमाल हो रहा है। भाई मैंने पेन पकड़ा हुआ है तो मेरे को सेंसिटिविटी है कि भाई मेरे हाथ में पेन है और मेरे को लिखना है, तो मेरा ब्रेन भी काम कर रहा है, मेरा हाथ भी काम कर रहा है, मेरे टार्सल, मेटाटार्सल, कार्पल्स सब काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये थी बात टिश्यूज की, अगले लेक्चर में हम लोग आपको पढ़ाएंगे बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा लेंगे, ठीक है, डीएनए आरएनए क्या होता है, ठीक है, छोटा सा लेक्चर रखेंगे, उसके बाद और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो टिल देन थैंक यू वेरी मच, कीप स्माइलिंग, कीप हैप्पी, एंड आई शैल सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।